चौराहा में भाजपा का पुतला दहन होगा, नरेंद्र मोदी का पुतला दहन होगा, अमित शाह का पुतला दहन होगा। युवा कांग्रेस 27 तारीख को सदन का घेराव करने जा रही है। यहाँ से हमारे साथी सत्यम सिंह, नीरज सिंह, सारे लोग यहाँ से जाएंगे और सदन का घेराव करेंगे। हम लोग सड़क से सदन तक लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूँ आपके साथ निहारा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद रहे राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त किए जाने के बाद देश भर में कांग्रेसियों में उबाल है। जगह जगह भाजपा और पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेसी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर जमशेदपुर में शनिवार को युवा कांग्रेसियों ने भाजपा कार्यालय के समक्ष प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर विरोध किया। कांग्रेसियों ने देश के इतिहास में इसे काला दिन बताते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव प्रिंस सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के इशारे पर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई है। जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करता है उसकी आवाज को केंद्र सरकार कुचलने का काम कर रही है। जनता अब जाग चुकी है और सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन को बाध्य है। कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है। कांग्रेस का यह विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं की जाती है। उन्होंने कहा, आगामी 27 मार्च को युवा कांग्रेसी सदन का घेराव करने जाएंगे। जगह जगह पीएम मोदी और अमित शाह का पुतला दहन किया जाएगा। कांग्रेस के साथी के साथ में यहाँ पे नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर रहे हैं। कल जो घटना घटा, यदि इतनी तत्परता से यदि युवाओं का रोजगार के हित में बात करते हैं नरेंद्र मोदी, यदि काला धन वापस लाने के बारे में बात करते हैं, यदि बुलेट ट्रेन चलाने के लिए बारे में बात करते हैं, महंगाई कम करने के लिए बात करते हैं, तो आज उनका देश सराहना कर सकता। लेकिन आज जो इन्होंने काला कर्तूत किया है, जितनी तत्परता से इन्होंने एक दिन के अंदर कुछ घंटों में राहुल गांधी का सदस्यता रद्द किया है, हम लोग सब लोग इसका बहुत निंदा करते हैं और इसका जो है विरोध करते हैं। और आने वाला समय में आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो आपका झूठा मक्कार सरकार जो है आपका यहाँ से जनता हटाने की काम करेगी। मोदी भगे, देश बचाओ। जिस तरह इनके इशारे में CBI, ED, इलेक्शन कमीशन सब लोग काम कर रहा है, पूरा देश जाग गया है और जान रहा है। आने वाले समय में इनको पता चलेगा। BJP कार्यालय के सामने कर रहे हैं कि अत्याचार करना बंद करो, ये हम लोग कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी देश को आज़ादी दिलाने का काम किया था। लेकिन ऐसा जो है ब्लैक डेमोक्रेसी के लिए नहीं काम किया था इन्होंने। हम लोग गोरे को भगाए हैं, इन चोरों से भी हम लोग लड़ेंगे। वही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने को लेकर कांग्रेस लगातार BJP पर हमलावर है। ऐसे में बोकारो पहुंची केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि जब से गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना है तब से कांग्रेस पार्टी को यह हजम नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी का काम ही आरोप लगाना है। कानून ने अपना काम किया है और सभी लोग कानून को मानते हैं। वहीं अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि जो भी कार्रवाई हुई है वह कानून के दायरे में हुई है। देश के प्रधानमंत्री जब से नरेंद्र मोदी बने हैं तब से लगातार देश आगे बढ़ रहा है। पूरे विश्व में भारत की एक अलग पहचान बनी है। प्रधानमंत्री विश्व में सबसे मजबूत नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं। देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह से एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना है, शायद ये कांग्रेस पार्टी को हजम नहीं हो रहा है। और जो भी कार्रवाई हुई है कानून के तहत हुई है, कानून सम्मत हुई है और कानून अपना काम करती है। हर कोई इस चीज़ को ये कहता है कि कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन वो भी जो कोर्ट जो प्रक्रिया थी, प्रक्रिया जो भी वांछित प्रक्रिया अपनाते हुए ये सारे काम हुए हैं। और निश्चित रूप से जो ये कांग्रेस का हमेशा से रहा है, ये तो एलिगेशन लगाने की इनकी आदत सी पड़ गई है। लेकिन कुल मिला के देखें तो किसी को भी आदरणीय
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शायद रास नहीं आ रहे हैं, जिस तरह से आज देश ही नहीं बल्कि विश्व के अंदर सबसे सशक्त नेता के रूप में उभरे हैं और पूरा विश्व आज भारत को देखता है। किसी भी कठिन परिस्थिति में भारत की ओर लोगों की निगाही होती है और बेशक जब से 2014 से प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे विश्व के स्तर पर भारत की एक अलग पहचान बनी है और निश्चित रूप से आज देश आगे बढ़ रहा है।